बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ साहबज़ादा फ़र्रुख सुल्तान ज़ुल्फ़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अल्लाह के फजल व करम से और मौला के करम से करबला की धरती पे मैं आज मौजूद हूँ और ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये नहर अलकामा फर फरात इसे कहते हैं, जहाँ से मौला अब्बास ने पानी भरा था मशकीज़ा। और हम चंद दिन पहले कूफा और नजफ, सबसे पहले नजफ आए और वहाँ पे मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हरम में 3 दिन गुजारे और वहाँ की जो सारी ज़ियारात हैं, मस्जिद कूफा, मस्जिद सहला, मस्जिद अनाना और जनाब कुमैल के जो ज़ियारत है वो करने के बाद कल हम करबलाए मौला हाज़िर हुए और यहाँ की जो लोकल ज़ियारात हैं वहाँ पे एक एक करके हाज़िरी दी। तो आज मैं मौजूद हूँ नहर फरात पे, जहाँ यकम महरम अल हराम से पहले मौला ने खैमे लगवाए। ये बिल्कुल मैं उसी जगह खड़ा हूँ जहाँ ये खैमा बस्ती आबाद की गई और 7 मुहर्रम को यहाँ से यजीदी अफाज ने वो खैमे उखाड़ने का हुक्म दिया और आपने अब जो मौजूदा बैनुल हरमैन है उसके जनूब की तरफ खैमा बस्ती आबाद करने का हुक्म दिया और उसके चारों तरफ खंदक खोद दी ताकि दुश्मन की अफाज पीछे से हमला न कर सके। तो मौला अब्बास बच्चों के लिए पानी लेने के लिए ये जो मेरे सामने जगह है यहाँ पे आए और अपना घोड़ा पानी में डाला और यहाँ से मशकीज़ा भरा पानी का। और जब आए तो वो अफाज का रास्ता चीरते हुए आए और उनको रास्ता बनाते हुए आए और यहाँ आके आपने पानी का मशकीज़ा भर के तो वापसी पे एक लंबा रास्ता लिया ताकि अफाज का सामना ना करना पड़े और जल्द से जल्द पानी जो है वो बच्चों के लिए मैं वहाँ पहुँचा दूँ। तो ये एक ऐसी आलम इस्लाम में कुर्बानी की दास्तान है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो ये इन्होंने ये चलाते हैं रोज़ाना फाउंटेंस इस नहर के पानी को साफ़ करने के लिए और इसमें बतखें हैं, दुनिया भर से लोग यहाँ पे आपको मौजूद नज़र आते हैं। और करबला एक ऐसी जगह है जहाँ पूरी दुनिया से लोग जोश व खरोश के साथ इबादत समझ के मौला की ज़ियारत करने के लिए आते हैं। तो आप जब भी आएँ 24 घंटे दिन हो या रात हो, करबलाए मौला के वक्त हर वक्त रश होता है। तो ये एक दुनिया का हिस्सा नहीं बल्कि ये जन्नत का टुकड़ा है और जन्नत के सरदार हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यहाँ पे मौजूद हैं और फैज़ आम है और इस घर से जब भी कोई आया है खाली हाथ नहीं गया। तमाम बुज़ुर्गों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपनी दुआएं मुझे कही थी, मैंने मौला के हवाले कर दी हैं। आप सब की दुआएं कबूल हों और मौला आप पे खुश हों और आप शादो आबाद रहें। फी अमान अल्लाह।